हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने हमारा टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको चावलों का टोनर बनाना बता रही हूँ, जिससे हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और ज़बरदस्त हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। इसकी मेन वजह ये है कि हमारे बाल से लॉन्ग हो जाएंगे। ये वाला टोनर अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ज़बरदस्त है। मैं ख़ुद भी ये ट्राई करती हूँ, मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करें। जिन गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है कि उनके बाल बढ़ नहीं रहे, हेल्दी नहीं हैं, बेरुखे हैं, बहुत बेजान हैं और रफ़ से हैं, बहुत पतले हैं, उनके लिए मैंने एक ज़बरदस्त टोनर बनाना आपको आज बता रही हूँ। उनके लिए ख़ास तौर करके मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी टोनर की तरफ बढ़ती हूँ। गाइस, सबसे पहले हमने राइस ले लिए थे। आपने कोई भी राइस लेने हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने सिंपल से राइस लिए हैं, एक बाउल मैंने राइस लिया। इसमें 2 बाउल पानी डाल के पूरी रात के लिए इसे भिगो के रख दिया था। जैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने फिर अभी मैंने ये आपको दिखाने के लिए मैंने गाइस अभी नहीं निकाले और मैंने इसे निकाल, वैसे मैं जैसे ही उठती हूँ सुबह तो निकाल लेती हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी तक नहीं निकाले क्योंकि मैं कह रही थी कि आपके सामने मैं सब कुछ करूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए उसकी जैसे ही सुबह हो जाएगी, मॉर्निंग में आपने क्या करना है, इसे पानी अलग कर लेना है, इनसे राइस को अलग कर लेना है, पानी को अलग कर लेना है। गाइस, आपने सिंपल तरीके से इसका पानी उतार लेना है सारा। ध्यान रखिएगा राइस नहीं जाए इसमें, कि हमने उतार लिया है। ये बड़ा बाउल है इसलिए ये एक ही हो गया है और ये छोटा था, मैंने इसलिए 2 लिए थे। और ये चावल उसके बाद आपको पता है नॉर्मली ये फूल जाते हैं, हम पानी में से डिप करके भिगो के रखते हैं तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होता है कि इनकी बाद में कैसी हो जाते हैं। इसके बाद ये चावल बिल्कुल साफ़ होते हैं। अगर आप पकाना चाहते हैं या खीर में डालना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में, तो वो आपका मैटर है। वैसे ये सही होते हैं, साफ़ होते हैं इनमें, और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, इन्हें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं खाने में, किसी भी चीज़ में, कोई भी मीठा बना रहे हैं या कुछ भी राइस की डिश में। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक स्प्रे की बोतल ले लेनी। अगर आपके पास नहीं है बोतल तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। रोज़ वाटर की मेरे पास ऑलरेडी थी, एक्स्ट्रा थी, ख़त्म हो गया, सबके गर्ल्स के पास होती है, नॉर्मली वो यूज़ करती हैं, ये मेरी एक्स्ट्रा थी, मैंने इसे रखा हुआ था कि काम कभी आ जाएगी यूज़ में। तो आपने क्या करना है, इसमें डाल लेना है। अब मैं इसमें डाल के उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें गाइस, मैंने इसमें डाल लिया, लेकिन ये छोटी बॉटल थी इसलिए इसमें पूरा नहीं आया है, ये वाला इसमें अभी पड़ा हुआ है। और इसको आपने फेंकना नहीं है, इसे आपने ढक के या कवर करके या ऐसे ऐसी किसी बॉटल में जो बंद हो जाए, कैप वाली हो, उस चीज़ में आपने इसे डाल के रख लेना है, वैसे नहीं रखना है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, ज़्यादा नहीं। और ये आपने यूज़ कैसे करना है, आपके बाल साफ़ होने चाहिए, गंदे हेयर्स पे हमने यूज़ नहीं करना है। आपने अपने पूरे हेयर्स पे लगाना है, स्कैल्प से लेके नीचे वाले बालों तक, पूरे बालों पे आपने इसका स्प्रे करना है। बस सिंपल तरीके से आपने इसका स्प्रे करना है और कुछ भी नहीं करना। उसके लिए आपके बाल साफ़ होने चाहिए, गंदे हेयर्स पे ये असर नहीं करेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये हेयर्स हैं, आपने पार्टीशन करके इन पे स्प्रे कर लेना है, पूरे बालों पे आपने करना है, स्कैल्प से लेके नीचे वाले रुए जो हमारे होते हैं बाल, इन पे आपने क्या करना है, जैसे ये गीले हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा पूरे बालों पर हो गया स्प्रे, तो आपने वैसे ही इन्हें कवर करके रख लेना है। स्प्रे के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि बिना स्प्रे के आप इसे अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी है, पानी तो हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए अगर आप स्प्रे ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आप अपने हेयर्स पे या पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और ख़ुद भी ईजीली कर पाएंगे। उसके बाद आपने ऐसे ही बाल, जैसे आपने देखना आपके पूरे हेयर्स पे हो गया है, तो आपने उसे कवर करके रख लेना है। आपने इसे 20 मिनट तक रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपने वॉश कर लेना है और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। गाइस, आई होप आपको ये मेरी टोनर पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और अब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके गाइस, बाय बाय।